नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म बिहार अपडेट्स की ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी जन्मदिन की बधाई देता है। मैं कामना करता हूं कि नीतीश जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और राजनीति इसी तरह से करते रहें। फिलहाल राजनीतिक सेहत की यदि बात करें तो वो बेहतर नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से सुधाकर सिंह, उनके महागठबंधन की एक पार्टी आरजेडी से जुड़े विधायक हैं, जो कमान ले लिया है एंटी नीतीश, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दबाव बनाया जा रहा है जदयू के तरफ से कि आप सुधाकर सिंह पर लगाम लगाएं, और उल्टे अब तेजस्वी कह रहे हैं कि वो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। सुधाकर सिंह ने सवाल उठाया है कि हम लोकतंत्र द्वारा शासित होते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, तो फिर नेतृत्व परिवर्तन में इतनी देर क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, जो लोकतंत्र की जननी है, जहां की संवैधानिक व्यवस्था हम लोगों ने लागू किया है, यदि वहां 4 महीने के अंदर प्रधानमंत्री बदल दिए जाते हैं तो यहां मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदले जाते हैं। उनका इशारा सीधे तौर पर नीतीश जी की ओर है। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पिछले 17 सालों में बिहार में विकास नहीं हुआ है और लगातार GDP के मामले में बिहार पिछड़ते जा रहा है। नीतीश जी के द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा, जिस सरकार में उनकी पार्टी खुद शामिल है, विकास को बेमानी मानते हैं सुधाकर सिंह। वो कह रहे हैं कि किसान बेहाल है, मंडी की व्यवस्था नहीं है और अफसरशाही आकंठ भरा हुआ है। वो लगातार इस बात की सिफारिश कर रहे हैं कि महागठबंधन अपने नेतृत्व पर बात करे, और यह जरी दबी जुबान उनकी बातों को आप स्वीकार करते हैं तो उनका इशारा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का है। सवाल यह उठता है कि महागठबंधन की यदि सरकार है तो फिर ये उथल पुथल जो मचा हुआ है, नीतीश जी को लेकर सुधाकर सिंह जो बार बार आक्रमण कर रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? और यह अकारण तो इस तरह से अपने नेतृत्व पर ही सवाल कोई नहीं उठा सकता है। महागठबंधन का नेतृत्व स्वीकार है तभी तो नीतीश यहां के मुख्यमंत्री हैं। बेशक वो तीसरे बड़ी पार्टी के नेता हैं, लेकिन एक आम सहमति के बाद उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। यह अलग बात है कि तेजस्वी के साथ या आरजेडी के साथ क्या डीलिंग हुई, इस मुद्दे को लेकर ही उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से बाहर हो लिए, लेकिन सुधाकर सिंह अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं और नीतीश को हर हाल में हर दिन चुनौती दे रहे हैं, विकास के सवाल पे, सुशासन के सवाल पे, कानून व्यवस्था के सवाल पर। लेकिन यहां दिलचस्प यह बन जाता है कि सारी बातें होने के बावजूद अखबार में हर दिन उनका स्टेटमेंट छपता है, उस स्टेटमेंट का काउंटर स्टेटमेंट जेडीयू के द्वारा दिया जाता है, लेकिन शीर्ष पर बैठे मेरा संकेत तेजस्वी जी की ओर है, आखिर वो क्यों चुप है? इस सवाल पर वो खुद सवाल दाग देते हैं कि ये दूसरे के इशारे पे कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी, आपको निर्णय लेने से आखिर कौन रोक रहा है? कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बिना किसी इशारे पर, शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के इशारे के बिना ऐसा कोई पूर्व मंत्री अपने नेतृत्व पर कैसे सवाल उठा सकता है। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र हैं और जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप खुद इस पर सोच सकते हैं कि आखिर यह विडंबना है कि जिस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का बेटा अपने पार्टी के लाइन पर ही महागठबंधन में शामिल दूसरे पार्टियों पर सवाल उठा रहा है, पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, तो कितना बेहतर यहां सत्ता संचालन हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।